तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं वो बलून से ली गई हैं, जिस तरह का बलून या जिन चेजर का जिक्र ये आप ग्रहण की तस्वीर देख रहे हैं, इसमें सूरज जो है चांद के पीछे छुप गया, तो काला धब्बा जो बीच में आ रहा है वो चांद है जो सूरज के आगे आ गया है, और बाहर जो आपको रोशनी का जो गोला सा दिखाई दे रहा है वो दरअसल सूरज का आभा मंडल है, एक ग्रीन के समय दिखाई दे। और जैसा हमने जिक्र किया बलून से, यानी ऊंचाई पर जाकर और बेहतरीन तस्वीर, कोरोना जो होता है इसको हम बाहरी जो आभा मंडल को अंग्रेजी में कोरोना कहते हैं, क्राउन होता है, मुकुट सूरज में पहन रखा हो, पहन लिया हो, तो उसका बहुत और ज्यादा सुंदर नजारा था और साफ नजारा था हाइट पर जाकर। और आप क्या होता है कई बार जैसे इस बार दुर्भाग्य से बादलों का खतरा है कि मानसून में हम हो सकता है क्लिंदर देख पाएं, तो जो लोग हवाई जहाज में जाके ऊपर जाके देखेंगे उनको बादलों के ऊपर से जाके तो सूर्य ग्रहण को देख सकते हैं, उसकी तस्वीर रखी है। ग्रहण से डराकर तो कमाई हो रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वाकई में तो एक टूरिज्म की तरह इस्तेमाल हो रहा है, दिखाकर भी कमाई हो रही है। एक सीट की कीमत शायद 80,000 रुपए है ग्रहण को ऊपर जाके देखने के लिए, और लोग 80,000 खर्च करके देखने जाते हैं, और दुनिया भर के हजारों लाखों लोग ग्रहण का पीछा करते हुए जहां भी हो, अंटार्कटिक में, आर्कटिक में, वहां तक जाके इस ग्रहण देखते हैं। इन्हें पैसा खर्च करना है तो इसकी खूबसूरती को देखने के लिए कीजिए, इसे डरने के लिए मत कीजिए। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बलून से ली हुई, और जैसा अमिताभ जी ने बताया कि बेहद खूबसूरत नजारा होता है, जितनी ऊंचाई पर जाकर ये तस्वीर ली जाती है उतना बेहतरीन नजारा पेश आता है, और सूर्य ग्रहण की ऐसी ही तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं, एक रिंग के मानिंद दिखाई पड़ रहा है इस वक्त सूर्य ग्रहण। और जिस ग्रहण टूरिज्म का अभी हम जिक्र कर रहे थे, तो जैसा अमिताभ जी ने बताया कि अच्छी खासी कीमत दुनिया भर के तमाम ऐसे लोग जो इन ग्रहण को देखना चाहते हैं उन्हें देखने के लिए चुका रहे हैं। खास उड़ानों का इंतजाम भी किया जाता है ताकि नजदीक से इसकी तस्वीरें ली जा सके, इसे देखा जा सके। इस तरह की दूरबीन जो यहां पर मौजूद है, इस तरह की दूरबीनों का इस्तेमाल किया जाता है। बोइंग विमान से 3 घंटे की उड़ान होगी, ये जो इंतजाम किए गए हैं ग्रहण टूरिज्म के लिए वो हम आपको बता रहे हैं, 29,000 से 79,000 रुपए तक खर्च करने पहुंच सकते हैं एक सीट के लिए। और जैसा आपने जिक्र किया, बल्कि इससे ज्यादा भी बहुत ही जगह चार्ज किए जाए, लगभग 80,000 जो आपको प्राइम सीट चाहिए आपको, जो सबसे बेस्ट सीट होती है, क्योंकि एक ही तरफ की सीट से आप एक्लिप्स देख सकते हैं, उसमें भी आगे की सीट ज्यादा अच्छी मानी जाती है, तो वो उसके हिसाब से उसकी कीमत बदलती रहती है। तो काफी दुनिया भर में लोग आज तक, अगर आप लोग दर्जनों पर फ्लाइट आ रही है, हम देख रहे हैं जागरूकता के साथ साथ में लोग इस वक्त अब समझने भी लगे हैं इन बातों को, इन चीजों को, लेकिन इसके बावजूद बड़ा वर्ग है खासतौर पर हिंदुस्तान में और दुनिया के कई हिस्से हैं वहां पर, जो इन सूर्य ग्रहणों से, चंद्र ग्रहण या किसी भी किस्म के ग्रहण से अब भी डरते हैं और मानते हैं या शुभ होता है बाहर नहीं निकलना, इसे देखना नहीं, इस तरह की तमाम बातें सामने आती हैं। आखिर क्यों इस तरह का डर पनपाया गया है, किस तरह की भ्रांतियां हैं, किस तरह के डर लोगों के मन में बैठाए गए हैं, इस पर भी जिक्र करेंगे। यानी जैसा मैं कह रहा था, एक दूसरा पहलू एस्ट्रोनॉमी से हटकर जो रखा जाता है आम लोगों के सामने, उस पर लौटते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहा है, हमारी ये खास पेशकश जारी, तब तक मैं इस दूरबीन के बारे में समझता हूं। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में, और हम आपको बता रहे हैं कि वाकई में चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण क्या होते हैं, 3-3 ग्रहण एक साथ पड़ रहे हैं, और अगर आपको भी डराया गया है किसी भी जरिए से तो वो बहुत गलत है, और हम कोशिश कर रहे हैं आपको इसके सही मायने समझाने की। सीनियर एस्ट्रोनॉमर अमिताभ पांडे जी हमारे साथ बने हुए, लेकिन क्या भ्रांतियां हैं, किस तरह का डर है, वो एक पहलू है, वो रखना बहुत जरूरी है, उसके बाद में उस पर एक्सप्लेनेशन हम आपसे लेते हैं। ज्योतिषियों के मुताबिक एक साथ 3 ग्रहण अगर पड़ते हैं तो ये बहुत अशुभ माना जाता है, और महामारी, महाप्रलय ऐसी तमाम बातें कही जाती हैं। 1915, 1916 और 1917 के दौरान जब 3 ग्रहण पड़े थे तो पहला विश्व युद्ध हुआ था, लेकिन हम आपको बता दें कि इसके बावजूद कई बार ऐसे ग्रहण पड़े हैं तब ऐसी चीजें नहीं हुई हैं। 1940, 42 और 44 में जब 3 ग्रहण पड़े तो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, और ये एक तर्क रखा जा रहा है। और इसके अलावा 3067 ईसा पूर्व में 3 ग्रहण पड़े थे तो महाभारत का युद्ध हुआ था, वो उस वक्त भी 3 ग्रहण पड़े थे ये कहा जाता है। द्वारका में आई बाढ़ की घटना के वक्त भी 3 ग्रहण पड़े थे। ये वो तमाम बड़ी घटनाएं हैं जिन्हें आप ग्रंथों में पढ़ते हैं या फिर इतिहास के नजरिए से जो 3 ग्रहणों को अशुभ बताते हैं।
लेकिन इसके अलावा 34 बार ऐसा और हुआ है शताब्दी में। इसको हर तीसरे महीने एक महाभारत होनी चाहिए थी, हर तीसरे महीने एक विशुद्ध होना चाहिए था। तो तरफ बिल्कुल भ्रांतियां हैं। पहली बात तो ये है कि हम जैसे मैं पहले बता चुका, भारतीय कैलेंडर के हिसाब से संभव ही नहीं है कि एक महीने में 3 ग्रहण हो जाएं। तो अमावस से अगले अमावस तक महीना ही बदल जाता है। एक महीने का पेड़ तो वो हो गया, तो कम वो होता है आपको बताया 29.5 दिन का, जबकि उसके बाद जब अगला जब अमावस शुरू होगी तो फिर से महीना ही पूरा बदल गया। एक महीने में 3 ग्रहण संभव ही नहीं। एक महीने के दायरे में जो दायरा होता है 29.5 दिन का, उसमें 3 ग्रहण संभव ही नहीं। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ। तो पहली बात यही गलत फहमी दिमाग से निकाल लीजिए। दूसरी, अगर हम अंग्रेजी कैलेंडर, जिसको हम एक्चुअली ग्रेगोरियन कैलेंडर को कहते हैं साइंस की भाषा में, वो जो हम जिसको फॉलो करते हैं, इसमें 30 का भी महीना होता है, 31 का भी महीना होता है, 28 का भी होता है, 29 भी होता है, उसके हिसाब से तो मतलब संभव है। तो बता रहा हूँ कि पिछले शताब्दी में 34 बार ऐसा हुआ, हर तीसरे महीने हर 3 साल में लगभग औसतन एक बार ऐसा हो रहा है कि आपको 3 ग्रहण पड़ रहे हैं। ऐसा ही नहीं, एक बार ऐसा हुआ साल में 2 बार ऐसा हो रहा है और आपका एक साल 7 ग्रहण एक साथ पड़े, तो एक साल लगातार नहीं, तो पूरे साल में लाके 7 ग्रहण भी पड़े। तो इन ग्रहणों से ऐसा कुछ नहीं होता है। महाभारत काल में हुआ तो मतलब महाभारत तो बड़ा शुभ है, दुष्ट का विनाश हुआ तो अशुभ क्या था, तो शुभ हुआ था। बहुत खूब बढ़िया तर्क रखा अमिताभ जी ने। चलिए, एक बहुत लंबी बहस है और इस पर नहीं जाते हम। इस वक्त एक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास मौजूद है, ये बेहतरीन दूरबीन इस वक्त हमारे पास मौजूद है। उन लोगों की बात करते हैं जो एंजॉय करना चाहते हैं, जो डरते नहीं है, और अब जिनको कम से कम समझ में आने लगा है, तर्क समझ में आने लगे कि पोंगापंती की बातें हैं, और खासतौर पर ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल जितने भी व्यूज होते हैं या जितने मौके होते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे इससे, और क्या आम लोग, क्या मैं, आप तो एस्ट्रोनॉमर हैं, लेकिन अगर मैं चाहूं या कोई आम दर्शक चाहे तो वो भी इनका इस्तेमाल। पहली बात, जहां तक चंद्रयान की बात है, चंद्रयान को कोई भी बड़े आसानी से देख सकता है, उसमें किसी भी किस्म का कोई खतरा नहीं। चंद्रमा पे छाया पड़ गई है धरती की, चंद्रमा थोड़ा फीका पड़ गया है, उसे चंद्रमा से कोई जहर नहीं उगल रहा है, चंद्रमा जो धरती पे आके बरसेगा, तो उसको तो कोई भी आसानी से देख सकता है। आपके बायनोकुलर हो, ऐसी कोई दूरबीन हो, तो उसे आसानी से चंद्रमा की ओर उसको मोड़िए और उसके पॉइंट करके फिर यहाँ से आईपीएस आराम से देखिए, आपको चलेगा बहुत सुंदर दिखेगा। आप एक एक क्रेटर के ऊपर से छाया बढ़ती हुई देख सकते हैं, तो बड़ा अद्भुत नजारा होता है कि अभी क्रेटर पे पहुंच गई, क्रेटर पे पहुंच गई। सूर्यग्रहण की जहां तक बात है, उसमें दूरबीन को बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। सूर्यग्रहण के बारे में कहूंगा कि सूर्यग्रहण को अगर देखना है तो बेहतर होगा कोई जो एस्ट्रोनॉमी जानता है, जानकार, उसकी मदद आप जरूर लें, उससे एक इन्फॉर्मेशन ले लें। पहली बात तो ये है कि सूरज अपने आप में खतरनाक चीज है। हमारा मामा जरूर है, लेकिन बहुत खतरनाक मामा है, कि उसको अगर आप सीधे देखेंगे नंगी आंखों से, आम दिनों में, आज के दिन भी देखेंगे, तो मात्र आपके 3-4 सेकंड में आपकी आंखों को परमानेंट डैमेज होगा, आप पूरे अंधे भी हो सकते हैं। रेडिएशन बहुत खतरनाक है, सूरज से रोशनी इतनी तेज आती है और आंख की पुतली के आंख के ऊपर जो लेंस है, लाइट को फोकस करेगा रेटिना पे, और रेटिना में चूंकि पेन को महसूस करने वाले, दर्द को महसूस करने वाले नर्व सेल नहीं होते हैं, सारे नर्व सेल देखने के काम में बिजी होते हैं, तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी आंख जल जाएगी, आप अंधे हो जाएंगे। तो जो पार्शियल जो चलता होता है, जब पूर्ण चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण नहीं हुआ है, उसको तो आपको नंगी आंखों से कतई नहीं देखना है, काले शीशे से नहीं देखना है, पानी की छाया में, पानी में प्रतिबिंब नहीं देखना है, सारी चीजें खतरनाक हैं। उसको देखने के लिए कुछ खास लेंस के फिल्टर्स आते हैं जो बाहर से मंगाने पड़ते हैं, बाजार फिल्टर्स होते हैं, निकल क्रोम फिल्टर्स होते हैं, वो फिल्टर बाजार में वो नहीं मिलते हैं। तो किसी भी चीज से आप इस्तेमाल न करें। पार्शियल को देखने का बहुत आसान तरीका, छन्नी ले लीजिए, जिससे झाड़ने की छन्नी होती है, बड़े बड़े छेद होते हैं, उसको दूर सूरज की ओर कर दीजिए, जो गोले नजर आएंगे हर एक सूरज का बिंब है, तो उसका हर छेद एक पिनहोल कैमरे का काम कर रहा है। नहीं तो कागज में पंच करके थोड़ा छेद है, मेरा ये कागज में छेद है, इसको सूरज की ओर कर दीजिए, तो उससे क्या होगा कि धूप जहां पर सूरज की वो बिंब बनेगा उसमें आप ग्रहण होता देख लेंगे। पार्शियल जब पूर्ण सूर्य नहीं हुआ, पूर्ण सूर्य जब चल रहा है उसको आप नंगी आंखों से देख सकते हैं, बायनोकुलर से देख सकते हैं, दूरबीन से भी देख सकते हैं, क्योंकि उतना खतरनाक उसको सूरज पूरा ढक चुका है, सिर्फ उसका बाहरी आभा मंडल देख रहे हैं, जिसको देखना बिल्कुल वो रिंग जो दिखता है, सूरज का मुकुट जो बनता है उसको हम देख रहे हैं, तो पूरा सुरक्षित है। आंख से देखो, बायनोकुलर से देखो, टेलीस्कोप से देखो। लेकिन खास बात, जो बहुत खास बात है, आपको ग्रहण शुरू होने का वक्त पूर्ण का और खत्म होने का वक्त मालूम होना चाहिए। अगर मान लीजिए ग्रहण मतलब सुबह 7:25:20 पर खत्म हो रहा है सपोज, तो आपको कम से कम 5-10 सेकंड पहले उसको देखना बंद कर दें, क्योंकि चंद्रमा एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, परफेक्ट गोला नहीं है, उसमें पहाड़ हैं, घाटियां हैं, तो अभी चंद्रमा पूरा नहीं हटा, एक घाटी के अंदर से सूरज झांकने लगता है, जो बहुत खतरनाक होता है, मतलब आपकी पुतली पूरी फैल चुकी होती है, आंख की काफी रोशनी तेजी से अंदर जाएगी, तब तक की आंख तो आपको आंख को डैमेज कर सकती है। तो कम से कम जो टाइम है, आपको अखबारों में भी पब्लिश होगा, टीवी पर भी अनाउंस करेगा, आपका चैनल भी दिखाएगा 50 टाइम, तो आपकी लोकेशन पर जहां आप हैं वहां का टाइम आप जान लीजिए पहले, उस टाइम को आप 10 कम से कम 10 सेकंड पहले आप उस ग्रहण को देखना बंद।